हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। आज इस चैप्टर में हम सऊदी अरबिया के लोकेशन और लैंड सरफेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रो दिया गया है, उसे देख लेते हैं। सऊदी अरबिया इज़ ए हॉट डेजर्ट एरिया। इट इज़ कवर्ड विद द सैंड हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स। इट रिसीव्स एन एवरेज ऑफ लेस दैन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेन एनुअली। रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरबिया। मतलब सऊदी अरबिया जो है एक हॉट डेजर्ट एरिया है, और ये अगर बात करें तो कवर्ड है किससे? सैंड हिल्स से, जिसे कि सैंड ड्यून्स भी बोला जाता है। मतलब डेजर्ट में आप बहुत आपने देखा होगा, डेजर्ट या फिर डेजर्ट की इमेजेस में आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ऊंचे नीचे वाले सर्वेस होते हैं। तो ऊंचा वाला जो सरफेस यानी कि पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह जो बना हुआ रहता है, उसे ही सैंड ड्यून्स बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों से पूरा कवर्ड है सऊदी अरबिया। और यहाँ की अगर बारिश की बात करें तो साल भर में आपको 25 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलेगा। रियाद जो है ये सऊदी अरबिया का कैपिटल है। अब देख लेते हैं यहाँ का लोकेशन। सऊदी अरबिया इज़ ए कंट्री इन द मिडिल ईस्ट। इट इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट। इट लाइज बिटवीन द रेड सी एंड द पर्सियन गल्फ। द सऊदी अरबिया ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द अरेबियन पेनिसुला, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिसुला। सऊदी अरबिया इज सराउंडेड बाई अदर कंट्रीज लाइक जोर्डान, कतर, कुवैत, ओमान, इसराइल, इराक, यूनाइटेड एमिरेट्स एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन। मतलब कि सऊदी अरबिया जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्री है, और ये जो है अरेबियन डेजर्ट में ही लोकेट करता है। और ये जो है मतलब सऊदी अरबिया ये रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में आता है। मतलब लोकेशन इसका ये है, ये जो लोकेट करता है रेड सी और पर्शियन गल्फ के बीच में। रेड सी तो आप समझ गए होंगे समंदर, मतलब लाल सागर, और पर्शियन गल्फ भी एक वाटर बॉडी सी है, आप उसे समुद्र बोल दो या ओशन बोल दो। और सऊदी अरबिया जो है वो 3/4 अरेबियन पेनिसुला का एक पार्ट है। मतलब अरेबियन पेनिसुला, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं क्लियरली, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था पेनिसुला के बारे में, आपको शायद याद हो या नहीं। पेनिसुला मतलब होता है जो कि द लैंड बॉडी विच इज़ कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। मतलब जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हो जो लैंड एरिया, उसे हम बोलते हैं पेनिसुला। तो ये अरब का जो अरेबियन पेनिसुला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा पेनिसुला है। और ये सऊदी अरबिया जो है इस अरेबियन पेनिसुला का 3/4 पार्ट है एक हिसाब से देख लें तो। उसके बाद बात कर लें सऊदी अरबिया के सराउंडेड मतलब नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, तो जोर्डान, कतर, कुवैत, ओमान, इसराइल, इराक, यूनाइटेड एमिरेट्स और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, जैसा कि आप मैप में आई थिंक देख सकते हैं। अब यहाँ के लैंड सरफेस की बात करते हैं कि यहाँ पे ज़मीन जो है किस तरह है, पहाड़ी है, मतलब यहाँ पे माउंटेन रीजन है, प्लेन रीजन है, क्या है वो बात करते हैं। सऊदी अरबिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 रीजन्स: कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेट्यू, पर्शियन गल्फ रीजन एंड डेजर्ट्स। मतलब सऊदी अरबिया को इंडिया की तरह, आई थिंक इंडिया में 5 हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा था ना इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी में, तो वैसे जैसे इंडिया को 5 मेजर क्या बोलते हैं 5 मेजर एरिया में डिवाइड किया गया था ना ज्योग्राफिकल एरिया में, वैसे इसे भी डिवाइड किया गया है: कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न हाईलैंड, सेंट्रल प्लेट्यू, पर्शियन गल्फ रीजन एंड डेजर्ट। सऊदी अरबिया इज़ ए लैंड ऑफ हाई माउंटेन्स विद नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। मोस्ट ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड विद ए थिक लेयर ऑफ लूज लैंड। मतलब सऊदी अरबिया जो है ये एक हाई माउंटेन, मतलब यहाँ के ज़मीन पे आपको अक्सर हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, और पतले कोस्टल एरिया, मतलब कोस्टल एरिया जो है यहाँ के वो बहुत ही पतले हैं, नैरो पतले स्ट्रिप्स हैं, और अक्सर यहाँ के एक मोस्ट ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड, मतलब कंट्री की बात कर ले तो पूरा जो कंट्री है वो ऑलमोस्ट ऑल पतले लूज सैंड से कवर है। लूज सैंड मतलब आप बोल लो रेगिस्तान में जो मिट्टी पाई जाती है वही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो टॉपिक होगा वाटर सरफेस और क्लाइमेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।